दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप सेटअप कर सकते हैं आपका एंड्रॉयड टीवी बॉक्स H96 मैक्स जो कि इस मॉनिटर में, यानी कि सैमसंग का मॉनिटर है जो कि डेस्कटॉप है, जो कि नॉर्मली आप पीसी में जो यूज़ करते हैं डेस्कटॉप वही वाला डेस्कटॉप है। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये HDMI केबल के थ्रू इसको कनेक्ट किया हुआ है VGA केबल से, यानी कि मैंने HDMI टू VGA कन्वर्टर लगाया हुआ है। उसके बाद जो VGA ये सपोर्ट करता है इसमें HDMI नहीं है, तो HDMI के थ्रू मैंने इसको यूज़ किया है। तो कैसे सेटअप करते हैं, क्या सेटिंग होती है, वो सब कुछ मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ सेटअप किया है, जैसे ये पावर कनेक्टर जो है इसका पावर केबल वो यहाँ पर लगा दी है और ये HDMI केबल इसमें लगती है। तो मेरे पास जो थी वो VGA थी इस मॉनिटर की, तो VGA के साथ मैंने कन्वर्टर लगाया है एक HDMI टू VGA वाला, तो इसमें लगा के ये चल गया है। और इधर मैंने पेन ड्राइव लगाई हुई है और इधर ये जो कीबोर्ड है ये आप देख सकते हैं, ये लाइट वाला कीबोर्ड जो इसके साथ आया था, मतलब साथ नहीं आया था, मैंने ये वाला पैकेज सिलेक्ट किया था। तो आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, बहुत काम की चीज़ें, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ये आप यही सिलेक्ट करें साथ में। तो ये इसके साथ आया था और यहाँ पर जो है आप SD कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ये और इसके साथ आप नॉर्मल माउस जो होता है वायरलेस वो भी यूज़ कर सकते हैं और वायर वाला माउस भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक अच्छी बात है कि इसमें माउस भी यूज़ कर सकते हैं आप, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, माउस से बहुत सारे काम हो सकते हैं, कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो दो की यहाँ पे इसीलिए दिया है कि दो एक साथ यूज़ कर सकें आप, एक माउस के लिए और एक कीबोर्ड के लिए। अब दोस्तों जैसे इसको आप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहली बार स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह की कुछ डिस्प्ले आएगी यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर चूज़ करना है कि आप कौन सी कंट्री में, तो यहाँ पर इंडिया तो आ नहीं रहा है, मैं अदर सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, तो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए इंग्लिश इंडिया। तो ये लैंग्वेज हम सिलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश इंडिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी जो लैंग्वेज है वो कन्फर्म हो गई। नेक्स्ट पे जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे नेक्स्ट पे आ गया है ऑप्शन, तो उसको मैं ओके करूँगा। अब यहाँ पर ये स्क्रीन जूम वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा है, तो सेट करने के लिए लिखा है कि कितना क्या सेट करना है आपको, तो वो मैं इसी हिसाब से कर लेता हूँ। तो ये देखिए आप, ये पूरा दिखने लग गया मुझे, ये अभी मुझे पूरा दिख रहा है, नीचे से भी मैं पूरा दिख रहा है, ऊपर से नहीं, ऊपर ठीक है, बस मुझे साइड से नहीं दिख रहा था, मैंने सेट कर लिया। अब भी मैं ओके कर देता हूँ क्योंकि मुझे एकदम बढ़िया। अब वाईफाई यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो एक ही वाईफाई दिख रहा है वो भी है RPM Tech Tips, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इस तरह से कंटिन्यू किया और यहाँ पर सेटअप प्लीज़ यूज़ इट, तो ये सेटअप हो गया है, अब मैं कंफर्म करूँगा। तो ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है, तो फर्स्ट आप जब इसको यूज़ करेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। अभी आपको एकदम बढ़िया दिख रहा होगा क्योंकि मैंने लाइट ऑफ़ कर दिए। तो ये पहला इंप्रेशन है, यानी कि ये जब आप यूज़ करेंगे इसको तो इस तरह का कुछ आपको दिखाई देगा। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ सेटिंग में और यहाँ पर जो वाईफाई है हमारा वो चेक जो है यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि अभी तक वो कनेक्ट हुआ नहीं था। तो सबसे पहले आपका काम यही होगा वाईफाई कनेक्ट कर लो, अदरवाइज़ अगर आपके पास लैन है तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं वाईफाई कनेक्ट करता हूँ। अब इसके पासवर्ड मुझे यहाँ पर टाइप करने पड़ेंगे, तो पासवर्ड टाइप करने के लिए मुझे क्या करना है, अभी कि इसमें तो बटन दिया नहीं है अगर आप ये मंगाते हैं तो, अदरवाइज़ अगर आप अब इसके बिना अगर आप मंगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें तो बटन है, तो हम बटन यहाँ प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये RAHUL, तो ये राहुल लिखा हुआ आ गया जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे मैं प्रेस करूँगा और ये इससे मैं चला भी सकता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा माउस ये कीबोर्ड की तरह काम करता है। ये देखिए वहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये तो ये अगर आपके पास नहीं, ये अलग से परचेज़ किया है मैंने, इसके अलग से लगते हैं पैसे। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि जैसे आपने ये माउस है तो इसमें इस बटन का यूज़ करना है, यहाँ पर प्रेस किया तो अब ये आपका माउस जो है वो कर्सर बन जाएगा। तो देखिए ये नीचे नीचे आ रहा है जैसे कि ये, तो जो भी वाईफाई का पासवर्ड है वो आप इसके थ्रू टाइप कर सकते हैं फर्स्ट टाइम अगर आपको ये करना है तो। बट मेरा सजेशन यही है कि आप इसको साथ में मंगाएं, क्योंकि इतना कॉस्टली नहीं है, 200-300 रुपए का एक्स्ट्रा लगेंगे आपके, बट ये आपको मिल जाएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको, काफ़ी अच्छा एकदम माउस टचपैड की तरह काम करता है। तो मैं इससे इसको सेटअप करता हूँ। तो देखिए ये मैंने कनेक्ट कर रहा हूँ मैं अभी वाईफाई से मेरे, तो जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट होगा ये सब कुछ हो जाएगा, इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो चलने लग जाएगी। अब ये लाइन जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये लाइन मैंने मॉनिटर की दिक्कत है और कुछ भी नहीं है, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और अब हम जाते हैं यहाँ पर, रिटर्न करता हूँ मैं, रिटर्न हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो गया है। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा यहाँ पर, मैंने अभी माउस का कर रखा है तो ये माउस चलेगा। देखिए अभी जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो जो बटन है वो चलने लग जाएंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर यूट्यूब में,
YouTube में, ये YouTube में गया और मैं आपको यहाँ पर ट्राई अगेन करते हैं, क्योंकि उस टाइम कनेक्ट नहीं था इसलिए कनेक्ट नहीं हुआ था। तो जैसे हम YouTube पे क्लिक करते हैं तो ये YouTube चलने लग जाएगा, तो मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में हमारा YouTube चलेगा। अब ये डिपेंड करेगा YouTube जो है आपका, आपकी जो वाईफाई की जो स्पीड है उसके ऊपर। तो मेरे यहाँ ब्रॉडबैंड लगाए वाला, उससे चलेगा तो काफ़ी अच्छा चलेगा। ये फर्स्ट टाइम लोड होने में इतना टाइम लग रहा है, हमेशा नहीं लगाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर आपको बोलेगा कि साइन इन करो, और साइन इन नहीं करना है तो आप वो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। अभी मुझे साइन इन नहीं करना है तो मैं नॉर्मली इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं इनमें से मैं कुछ भी चलाऊँगा तो कॉपीराइट आ सकता है, तो इसमें से मैं चाहता हूँ कि कुछ सर्च करूँ मैं। तो सर्च करने का ऑप्शन है मेरे पास, ये है, और यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ एंड मुझे लिखना है यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर RPM टेक टिप्स के वीडियोस देखना है भाई मुझे, एंटर। तो ये हमारा चैनल ही है जो नीचे आ चुका है ऑलरेडी, तो इस पे जाऊँगा। ये क्लिक किया, मेरा वीडियो आ गया यहाँ पर, तो देखिए हमारा पूरा चैनल आ गया है। वैसे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है वैसे YouTube की जो ये वाली ऐप है, ये काफ़ी अच्छी। तो जैसे क्या देख पा रहे हैं यार, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं मेरा जो लास्ट वीडियो था वही प्ले कर देता हूँ यहाँ पर। मैंने क्लिक किया और आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा मस्त मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है, साउंड नहीं है। मैंने साउंड कनेक्ट नहीं किया हुआ है, बट जस्ट मैं साउंड कनेक्ट कर लेता हूँ, आई थिंक आवाज़ भी आने लग जाए, जहाँ तक मुझे लग रहा है आवाज़ आ जाएगी। जो प्ले हो रहा है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये लाइन की टेंशन मत लीजिएगा, ये आपके इसमें नहीं आएगी। ये लाइन तो मेरी मॉनिटर में दिक्कत है इसलिए आ रही है। तो यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ, ओके। हाँ वॉइस आ रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वॉइस भी आ रही है। ये देखिए, अब ये डिपेंड करेगा आपने कौन सा स्पीकर कनेक्ट किए हैं। तो मैंने 3.5 mm जैक जो है उसका, उसमें इसके स्पीकर जो है वो कनेक्ट किए हैं, उसमें ये चल रहा है। तो मैं एग्जिट करता हूँ, इसमें होम पे जाना है। तो आपको एग्जिट करने के लिए क्या करना है, सिर्फ एक क्लिक करना है ये वाला होम पे। देखिए ये एग्जिट हो गया, सब कुछ बंद हो गया, एग्जिट हो गया। अब दोस्तों जियो टीवी की बात करें तो जियो टीवी तो यहाँ पर नॉर्मली गूगल प्ले में आपको मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी जाएगा, जैसे कि अगर मेरी कंडीशन बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि मैं अब देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं अगर सर्च करता हूँ जियो टीवी, तो ये मैंने सर्च भी किया हुआ है ऑलरेडी। तो जैसे जियो टीवी अगर सर्च करेंगे तो जैसे कि मिल नहीं रहा है, मतलब ऑफिशियल जो जियो टीवी है वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता है। अगर आपको आपके बॉक्स में अगर सर्च करते हैं प्ले स्टोर में और आपको मिल रहा है, तो समझ लीजिए वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो यही यहाँ पर कुछ कहानी है जियो टीवी की। तो अब सोल्यूशन क्या है, मतलब अब कहाँ से इंस्टॉल करें? तो इसका एक सोल्यूशन है, माई ऐप में जाइए। यहाँ पर माई ऐप में आपको APK प्योर करके एक ये मिलेगी, तो यहाँ से मैंने वूट भी डाउनलोड करी थी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, मतलब अगर आप सर्च करेंगे तो। और अगर नहीं मिलती है तो यार आपके पास सिस्टम होगा या फिर फ़ोन होगा, तो उसमें APKPure.com लिखिए, वहाँ पे जाइए और वहाँ से ऐप इंस्टॉल करिए, और पेन ड्राइव या फिर ब्लूटूथ वगैरह के थ्रू इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये एक अलग ऑप्शन मिलता है आपको कोई भी ऐप प्ले करने का। अब यहाँ पर जियो टीवी जो है मैंने इंस्टॉल करी है, हालांकि मैं जियो टीवी का और वूट ऐप का दोनों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जियो टीवी में प्ले करके बता देता हूँ आपको क्या एकदम बढ़िया मस्त प्ले होता है, अच्छे तरीके से प्ले होता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसमें आपको फुल स्क्रीन करने में भी शायद दिक्कत आ सकती है, साउंड नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी स्पीकर कनेक्ट नहीं किए हुए हैं, तो उसका आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और बाकी मैं यहाँ पे आपको एक कुछ भी तो प्ले करके बता देता हूँ, जैसे ये प्ले हो रहा है। तो अब देखें यहाँ पर एक मेरे को एक प्रॉब्लम लगी इसमें, ये वाली कि यहाँ पर जैसे कि कोई फुल स्क्रीन करते हैं, तो ये यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर फुल स्क्रीन पर, तो ये हो नहीं रहा है। तो अगर आप में से किसी को पता है तो यार बताओ यहाँ पे ये फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा जियो टीवी में। अब मैं कैसे फुल स्क्रीन करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये करता हूँ, जैसे मैंने जियो टीवी चालू कर दी, अब मैं होम स्क्रीन प्ले कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये प्ले हो रहा है साइड में। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे माई ऐप में जाता हूँ और फिर से क्या करता हूँ जियो टीवी पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये बैक करता हूँ, अदरवाइज वो कॉपीराइट क्लेम वाले दिक्कत कर देंगे। मैं अभी इसको बंद करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, मैं रिमोट का यूज़ करूँगा। जैसे मैंने कर दिया, अब मैं रिमोट का यूज़ करके इसको बैक करूँगा यहाँ से, रिमोट ये रहा, ये देखिए ये मैंने इसको बैक किया तो ये बंद हो गया। तो ये इस तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं। अब मैं आपको नेटफ्लिक्स चला के बताता हूँ यहाँ पे नेटफ्लिक्स कैसे चलता है। तो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन भी है हमारे पास फॉर सम रीज़न,
किसी चीज़ में मुझे मिली थी तो यूज़ कर ही रहा हूँ, अभी 3 महीने के लिए है। तो नेटफ्लिक्स भी चला के बता देता हूँ मैं आपको, इसमें एकदम बेहतरीन बढ़िया तरीके से चलता है और अच्छा चलता है यार, मतलब मज़ा आती है चलाने में, ये एकदम बढ़िया चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मैं आपको क्या चला के बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या चलाते हैं, ये वाला चलाते हैं द जोया फैक्टर करके कुछ है ये। मैं देखता नहीं हूँ नेटफ्लिक्स इतना, इसलिए मुझे नहीं पता है यार ये नेटफ्लिक्स वगैरह में चलता क्या है। हालांकि नेटफ्लिक्स की जो इसके सेक्रेट गेम है वो पूरी मैंने देखी हुई है, वो एकदम अच्छे से पता है मुझे। अब जैसे ये देखिए, अब इसमें फुल स्क्रीन ऑटोमेटिक चल रहा है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं इसमें मान लो मैं बैक भी करता हूँ तो इसमें बैक भी हो जाता, तो ये एकदम बढ़िया चल रहा है। बट सिर्फ जियो टीवी में दिक्कत आ रही है। तो ये देखिए आप, ये एकदम बढ़िया चल रहा है और मैं आपको क्वालिटी भी बता दूंगा कि कितनी क्वालिटी की चल सकता है नेटफ्लिक्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं नेटफ्लिक्स एकदम बढ़िया चल रहा है। अगर आपको यहाँ पर सबटाइटल वगैरह चाहिए तो यहाँ से मिल सकते हैं, ऑडियो अगर चेंज करना है तो यहाँ से आपको हो सकता है ऑडियो चेंज। और अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो वो कहाँ पर मिलेगी वो मैं अभी सर्च करके आपको बताता हूँ। फॉर सम रीज़न इसमें क्वालिटी कौन सी आएगी वो आप चूज़ नहीं कर सकते, बट जहाँ तक मुझे पता है नेटफ्लिक्स इसमें चलेगा 480p में, क्योंकि इसमें वाइडवाइन L3 सर्टिफिकेट है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स जो चलेगा वो 480p में ही चलेगा। और यहाँ पर अमेज़न प्राइम की बात करें तो वो भी इसमें 480p में ही चलेगा। तो वो भी मैं आपको चला के बताऊँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं नेटफ्लिक्स 480p में अच्छी क्वालिटी में चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। अभी मैं होम पे क्लिक कर देता हूँ और आपको अमेज़न प्राइम भी चला के बताता हूँ, क्योंकि अमेज़न प्राइम भी है हमारे पास और इसमें प्राइम भी आपको इंस्टॉल ही मिलता है। तो कहाँ गया प्राइम, ये रहा प्राइम वीडियोज़। प्राइम वीडियोज़ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शायद मे बी मैं क्वालिटी देख पाऊँ, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें 480 से ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि जो WL3 वाला सर्टिफिकेट है इसमें, इसलिए। तो कोई भी मैं चला देता हूँ, ये वाली चला देता हूँ। देखिए आप इंटरफेस देखिए, एकदम इंटरफेस ऐसा आ रहा है एंड्रॉयड जो इस स्मार्ट टीवी होता है वही वाला आ रहा है, ऑफिशियल जो होता है, मतलब ऑफिशियली है हालांकि ये, बट ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्वालिटी की तो आई थिंक नहीं आएगा क्वालिटी का यहाँ पर भी। ये देखिए यहाँ पर भी क्वालिटी का नहीं आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट। बट फिर भी मैं आपको एक बार यूट्यूब पे ले चलता हूँ। अब इससे फिर आपको बाहर निकलना है तो वही आपको तरीका करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये है हमारा यूट्यूब, यहाँ पर मैं गया और कोई भी मैं वीडियो प्ले कर लेता हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो कलर आ रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए आप, क्योंकि मैंने कलर की कुछ कॉन्फ़िगरेशन की हुई है यहाँ पर, कम ज़्यादा किया हुआ है इसलिए ऐसा कलर आ रहा है। अब साहो मूवी यहाँ पर, साहो मूवी किसी ने यहाँ पर डाली हुई है VWW करके, उतने सारे एड डाले हुए हैं। देखो अभी मैं इसको थोड़ा सा, हमें तो क्वालिटी चाहिए इसको आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, तो क्वालिटी हम यहाँ से देख सकते हैं, मोर पर क्लिक करेंगे और ये देखिए क्वालिटी तो हमें यहाँ पर 720p में मिल रही है अभी इस वीडियो के लिए। अब मे भी शायद इसने 720p में ही डाला है इसलिए इस वीडियो में हमें 720p मिल रही है। अब मैं देखता हूँ कोई एक कोई एक अच्छा सा सॉन्ग देखता हूँ जो मे भी शायद 4K तक अवेलेबल हो, तो उसी को हम प्ले करते हैं। जैसे ये पछता हो गई, ये सॉन्ग मे भी शायद 1080p में तो अवेलेबल होगा एटलीस्ट, तो इसकी मैं क्वालिटी देखता हूँ। दूसरा चल गया क्या, हाँ दूसरा कुछ चल गया, फिर भी ये तो होगा आई थिंक क्वालिटी इसकी। ये देखिए 1080p की क्वालिटी आ रही है। अब 4K में आई थिंक कोई सॉन्ग मैं देखता हूँ मुझे कहाँ मिलेगा 4K। 4K एक जगह मुझे मिल सकता है जो कि मेरा फेवरेट चैनल है, वहाँ 100% मुझे 4K कंटेंट मिलेगा। तो अभी मैं देखो मैं 4K सर्च करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा लाइन एक्सट्रैक्टिव, इस चैनल पे मुझे 100% 4K कंटेंट मिल सकता है, क्योंकि ये हमेशा 4K में ही अपलोड करते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो मैं क्वालिटी देखता हूँ यहाँ पर, क्वालिटी और 4K, ये देखिए 4K अवेलेबल है, यानी कि 4K में ये चलेगा और 4K में ये प्ले भी होगा। तो ये हम 4K में प्ले कर रहे हैं, देखिए तो ये 4K में प्ले हो रहा है। अभी मैं बंद, अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ कि फुल स्क्रीन हो जाए। तो ये देखिए 4K में चल रहा है और इस तरह से चल रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अटक रहा है, हल्का हल्का अटक रहा है, बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, इतना भी नहीं अटक रहा है। और ये 4K में कंटेंट प्ले हो रहा है इसमें YouTube में।
तो जो क्वालिटी आ रही है वो काफ़ी एकदम अच्छी आ रही है और बेस्ट आ रही है आई थिंक। बाकी एक और ये बात हो सकती है कि हाँ मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ भी आ सकती है, बट क्वालिटी आपको 4K में अच्छी दिखाई देगी, वो भी यूट्यूब में। बाकी नेटफ्लिक्स अमेजोन पर आपको 480 देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें W3 का सपोर्ट मिलता है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब ये जो ऐप है ये DRM इन्फो वाली ऐप है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कॉन्टेंट है अमेजोन प्राइम या नेटफ्लिक्स वाला ये आप कितने सेटिंग में देख पाएंगे, यानी कि इसमें सिक्योरिटी पता चलती है एक तरह से, जो कंटेंट है उसकी सिक्योरिटी पता चलती है कि कंटेंट की सिक्योरिटी क्या है। तो यहाँ पर 480p वाली सिक्योरिटी W3 में आती है। तो ये हमारा जो मैंने ओपन कर दिया है ऐप जो है वो डाउनलोड करके, ओपन करके यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी लेवल जो है वो L3, तो इसलिए हम यहाँ पर जो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वगैरह इनका कॉन्टेंट जो है वो फुल HD या HD में नहीं देख पाएंगे, 480p में ही देख पाएंगे। तो यही सब है। और YouTube में हमें कोई सिक्योरिटी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए YouTube में 4K तक चल रहा है और ये डिवाइस 4K तक सपोर्ट करता है। मेरा सजेशन ये है कि अगर 1080p में भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा होगा, बट अगर आपके पास नेट अच्छा खासा है तभी देखना 1080p में, वरना ऐसा होगा कि एक मूवी देखी आपने YouTube पे और पूरी ऐप की 1.5-2 GB गई ख़त्म। तो दोस्तों यही पूरा सेटअप था। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डब्बा टीवी है इस तरह की, जो जिसमें AVI केबल होती है, AV केबल होती है, नॉर्मल HDMI या VGA पोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं इसमें, इसमें सिर्फ AV पोर्ट होते हैं। तो इसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को और क्या क्या इसमें आपको रेजोल्यूशन मिलेगी, कौन सी ऐप चलेगी, वो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो में। तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगर आपके यहाँ AC टीवी और उसको टीवी को स्मार्ट बनाना है तो बिल्कुल से ये एकदम बेस्ट डिवाइस हो सकता है, बेस्ट गैजेट हो सकता है आपके लिए। अगर आपको इसको परचेस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके थ्रू आप जाके वहाँ पे परचेस कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोस लाता रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जानना जरूरत है वो भी मैं आपको देता रहता हूँ इसी चैनल पर। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।